हेलो गाइस, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट नवांकुर IVF ग्रुप से। आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक कि IVF में अपन देखते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या है, अपन देखते हैं कि मॉडलिटीज मीन्स इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगे हैं, पर कभी भी अपन ये नहीं गौर करते कि कौन से सेंटर पे कौन सा एम्ब्रियोलॉजिस्ट आ रहा है, कौन सा भ्रूण के वैज्ञानिक आ रहा है, जिसने भ्रूण तैयार करना है, जिसने एम्ब्रियो तैयार करने हैं। क्योंकि ना IVF प्रोसेस एक साइकिल की तरह है, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट दोनों मिलके इसके अंदर साइमल्टेनियसली इसमें वर्क करते हैं। बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है इसमें। इसको अपने को जब भी सेंटर का चुनाव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सेंटर पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, फलाने सेंटर पे गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया IVF में वर्क करते हुए, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आ रहा है उसको कितने साल हो गए IVF में वर्क करते हुए, तभी अपन सक्सेस पा सकेंगे। क्योंकि जब बिल्कुल सब कुछ सही है उसके बाद जाके IVF का 50-60% रिजल्ट है। कोई सेंटर आपको ये कहे कि जी मेरे यहाँ पे तो 100% रिजल्ट है, मेरे यहाँ पे 80% रिजल्ट है, ऐसा एक या दो बैच में तो हो सकता है, पर हमेशा हर एक पेशेंट के साथ में होना इम्पॉसिबल है। तो कभी भी इन मिथ्या भ्रम में मत पड़िएगा। जब भी IVF का चुनाव करें ये बात ध्यान में रखिएगा, IVF हो सकता है आपके किसी जानकार का पहले राउंड में सक्सेस हो गया हो, आपके रिलेटिव का पहले राउंड में सक्सेस हो गया हो, पर मेरे यहाँ पे भी मेरे द्वारा किए भी ऐसे पेशेंट हैं जो तीसरे राउंड में प्रेगनेंसी नहीं आती। ये सच्चाई है और ये अपने को एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।